स्वागत है आप सभी का खाना और स्वाद के चैनल में। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग है और आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि दुर्गा पूजा का पंडाल कलकत्ता में कैसे बनता है और कितने खूबसूरत तरीके से बनता है। हिंदू त्योहारों में से एक है। इस उत्सव का दूसरा नाम दुर्गा उत्सव है। देश के अनेक हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिनों उत्सव मनाया जाता है। पूजा पाठ सब कुछ चलता है। महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी में उत्सव अपने चरम पर रहता है और इसका समापन विजयदशमी को हो जाता है। माँ दुर्गा की प्रतिमा में उनके 10 हाथ दर्शाए जाते हैं। इन 10 हाथों से तलवार, भाला, गदा, सुदर्शन चक्र जैसे अस्त्र शस्त्र के साथ कमल, शंख भी रहते हैं। माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं और असुर सम्राट महिषासुर का वध करते दिखाया जाता है। कहा जाता है कि शिव की पत्नी पार्वती ने इन देवियों के विभिन्न रूप धारण किए थे। लोग अनुष्ठान, सांस्कृतिक प्रधानी और पंडाल के माध्यम से बड़े उत्साह से ये उत्सव को मनाते हैं। जो राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का जश्न के रूप में मनाया जाता है। हिंदू देवी दुर्गा को संप्रीति या त्यौहार हिंदू महीने आश्विन में मनाया जाता है तो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। यह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और सभी क्षेत्रों में लोग इसे मनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दुर्गा पूजा भारत के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। एक हिंदू अवकाश होने के अलावा यह परिवार और दोस्तों से मिलने मिलाने का मौका होता है। यह उत्सव सांस्कृतिक मूल्यों और प्रथाओं को जीवित रखने का उत्सव है। माँ दुर्गा के 10 हाथों में से प्रत्येक में एक अनूठा हथियार होता है। नवरात्रि के दौरान देवी अम्बा दुर्गा की पूजा होती है। उनके बारे में माना जाता है कि विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। इन देवियों का सामूहिक रूप से शांति कहा जाता है, जो उनकी अपार शांति का प्रतीक है और इस महिषासुर जैसे राक्षसों पर उनकी विजय की कहानियों में दर्शाया गया है। दुर्गा पूजा त्यौहार की उपस्थिति महाभारत काल से मानी जाती है। एक पौराणिक कथा है, कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राक्षसों से लड़ने और देवताओं की मदद करने के लिए दुर्गा की रचना की थी। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार पूरे देश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। उत्सव के दौरान विशाल पंडाल बनाए जाते हैं और रंग बिरंगी सजावट की जाती है। दुर्गा पूजा का उत्सव परिवार देवी आशीर्वाद और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें फल, मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। पंडालों को विशेष रूप से सजाया जाता है और लोग उत्साह मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा के वरदान मिली थी कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य नहीं हरा सकता। यह वरदान पाते ही वह शक्तिशाली हो गया और उसने स्वर्ग में देवताओं को परेशान करना शुरू किया। देवताओं ने त्रिदेव से मदद की गहर लगाई और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ मिलकर देवी दुर्गा का निर्माण किया, जिन्होंने अंत में महिषासुर का वध किया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद।